राजभर के हसीन सपने, सियासत के शतरंज की बिसात पर रख दिए दावे अपने। कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बने, अब जो दावा कर रहे हैं क्या उसकी है निशानी। कहने वाले कह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, राजभर की सियासत को एक बार नहीं कई बार देने होंगे झटके, तब देख पाएंगे हकीकत। रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के घर अचानक मुलाकात की थी। दोनों ने तब कहा था कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात के मायने ओपी राजभर की ओर से दिए गए बयान से जाहिर हो गया। ओपी राजभर ने जिस कॉन्फिडेंस से एक नया दावा किया, उससे तो अब यही लगता है वाकई में ऐसा ही होगा। उस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने राजभर से क्या बात की होगी, उसका खुलासा सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपने बयान से कर दिया। ओपी राजभर का नया दावा घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद लग रही अटकलों को एक तरह से ध्वस्त कर रहा है। अटकलों में ये बात कही जा रही है, बीजेपी के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर की योगी मंत्रिमंडल में एंट्री पर ब्रेक लग गया है। लेकिन इस बीच राजभर ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान को 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। घोसी में हार के बाद राजभर समाजवादी पार्टी के उपहास और तिरस्कार के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली थी। दारा सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2017 में भाजपा में शामिल होने के लिए बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुना गया और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाया गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और एसपी में शामिल हो गए। वो 2022 में घोसी से विधानसभा के लिए चुने गए। पिछले जुलाई में उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने घोसी उपचुनाव लड़ा और 8 सितंबर को सपा के सुधाकर सिंह से 42,759 वोट के अंतर से हार गए। बावजूद इसके सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया उन्हें भाजपा के दारा सिंह चौहान के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो घोसी उपचुनाव के दौरान ओपी राजभर का नाम हाईलाइट रहा। राजभर ने खुद यह दावा किया था, घोसी की लड़ाई दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह नहीं बल्कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच है। अब जबकि घोसी के रण में अखिलेश से उन्हें जबरदस्त हार मिली, बावजूद इसके उन्हें विश्वास है कि वो मंत्री बनेंगे। वो कह रहे हैं उपचुनाव परिणाम के बाद भी उन्हें और चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने कहा, क्यों नहीं, हम मंत्री बनेंगे, ये विपक्षी लोग मालिक नहीं है। राजभर कह रहे हैं वो एनडीए में हैं और एनडीए के मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा हैं। विपक्षी दलों को धैर्य रखना चाहिए और कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। उन्हें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्हें जल्द ही दिल का दौरा पड़ सकता है। घोसी उपचुनाव में हार को राजभर के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में लौटने के बाद बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए थे। राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी उपचुनाव हार गई क्योंकि सपा ने घोसी के मतदाताओं, खासकर दलितों और अन्य गरीब समुदायों के बीच भारी मात्रा में पैसे बांटे।